हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्या कर रहे हैं, आप सबके लिए लेक्चर नंबर 15 लेकर आ रहे हैं। और अभी तक मैंने क्या कहता है, लेक्चर नंबर 14 यानी कि 14 लेक्चर मैंने क्या कर दिया, पहले चैप्टर से रिलेटेड बना चुका हूं। और मैं बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं, बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं, जिससे क्या कर सके उसको आप इजीली समझ पाए, इजीली आप देख पाए, ज्यादा आप बोर ना महसूस करें। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी अपने लेक्चर को बहुत छोटा छोटा लेक्चर लेकर चल रहा हूं। बट स्लोली स्लोली मैं क्या करूंगा, अपने लेक्चर को थोड़ा बहुत बड़ा करूंगा, तो आप क्या कर जाएंगे, आपको क्या हो जाएगा, एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि हाँ हाँ अब आराम से बैठ करके देख सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। और इस लेक्चर के अंदर आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम क्या होता है और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या, कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फॉर्मूला क्या होता है। कभी इन डाउन पोजीशन पे होता है, कभी ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन पे होता है, कभी एट एनी पॉइंट पे होता है। तो अलग अलग तरह के फॉर्मूले, 3 फॉर्मूला है और तीनों फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। और डेरिवेशन आता है एग्जाम में और वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि इसको मैं कैसे किया जाए। तो वो सब तरीका बहुत आज इजी हो जाएगा। आज के बाद आपको कुछ भी समझना नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज क्या करिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और देखिए और फील करिए, क्योंकि इस चैनल पर जो फिजिक्स मिलता है बिल्कुल फील के साथ मिलता है, उसके कॉन्सेप्ट मिलते हैं। यहां पे कोई रट्टाफिकेशन वाली फिजिक्स नहीं मिलती है कि रट्टाफिकेशन कोई डेफिनेशन आपको रट जाए, ऐसा कभी नहीं मिलने वाला है आपको। यहाँ पे क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे पूरा का पूरा फील के साथ मिलेगा। सो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट एंड फील टू फिजिक्स। यानी कि बच्चों आप क्या करिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको चैप्टर 1 का अभी तक 15 लेक्चर आज के बाद मिलेगा, ये इसको लेकर के 15 लेक्चर हो जाएगा। अब पूरे लेक्चर को आप देखिए तब मजा आएगा। ओके, सो स्टूडेंट स्टार्ट द क्लास। सो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक आप लोगों ने क्या किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करिए उसको लाइक कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो स्टूडेंट, इसके जो प्रीवियस लेक्चर था, इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें मैंने क्या किया था, आप लोगों से कुछ प्रॉपर्टी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी बताया था। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे बच्चों यहां पे राइट हुआ है डायपोल, यहां पे क्या है डायपोल, डायपोल का मतलब ये हो गया बच्चों कि दो पोल रहेगा, लेकिन बस वर्ड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। दो पोल तो रहेगा, एक पोल आपका यहां पे इस तरीके से और एक पोल इस तरीके से। डायपोल का मतलब है डायपोल, देखो पता चल गया कि डायपोल मतलब दो पोल होगा, डाय मीन्स दो, तो देखो एक पोल यहां पे, एक पोल यहां पे। अब ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि जो दोनों पोल रहेगा उस पे चार्ज रहेगा, समझ में आई बात। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो दोनों पोल है, दोनों पोल पे चार्ज तो रहेगा लेकिन एक पे प्लस रहेगा, एक पे क्या रहेगा बच्चों, माइनस रहेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोला, कि हमने कहा इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है कि जो क्या होता है उसमें डबल पोल होते हैं, दोनों पे चार्ज रहता है, बस एक पे प्लस होता है, एक पे क्या होता है माइनस होता है। इनका चार्ज का नेचर निगेटिव होता है बच्चों, लेकिन अगर मैं बात कर दूं अमाउंट की, अमाउंट क्या होता है सेम होता है, अमाउंट क्या होता है सेम होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल या सिस्टम, यहां पर मैं राइट करने वाला हूं इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट
चार्जर। बच्चों याद कर लो, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें दो चार्ज रहते हैं, एक पे प्लस होगा एक पे क्या होगा, मान लीजिए यहां पे क्या लिखा है, इक्वल अमाउंट में, टू इक्वल यानी कि वो इक्वल रहते हैं, जितना चार्ज यहां पे अगर मैं कर दूं प्लस टू ई प्लस है तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस टू ई निगेटिव हो जाएगा, माइनस टू ई हो गया, यानी कि इसे प्लस टू यहां पे क्या हो गया, माइनस टू ई, इसका मतलब ये क्या है, डाई पोल बन गया, यहां पे प्लस क्यू हो गया, यहां पे क्या हो गया, माइनस क्यू, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो एक पे प्लस होता है और एक पे क्या होता है, माइनस होता है, एक पे प्लस होता है और एक पे क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन दोनों का अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है हमारा एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है कि जो होता क्या है कि दो इक्वल और अपोजिट नेचर वाले चार्ज से मिलकर बना होता है। ओके, तो ऐसे इसको मैं बनाता हूं, ध्यान से समझते हैं, ये मैंने बनाया इलेक्ट्रिक डायपोल, ये देखो माइनस क्यू और यहां पर क्या है, प्लस क्यू, तो ये हमारा जो बन गया ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो ये सिस्टम है कि नहीं है, इसपे क्या है, देखो क्यू यहां पे भी, क्यू यहां पे इनका इक्वल अमाउंट है, बट नेचर देख लो नेगेटिव है कि नहीं है, एक नेगेटिव एक क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है, लेकिन इनका अमाउंट क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर दू, एग्जाम्पल की बात कर दो, HCl, HBr, ये सब क्या होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जाम्पल। अब देखो HCl है यहां पे, HCl का मतलब क्या है, H पॉजिटिव, देखो HCl को अगर आप कंपोनेंट करते हैं ऐसे डिसोसिएट करते हैं तो एक क्या होता है H पॉजिटिव और एक क्या होता है Cl नेगेटिव, तो देखिए H पॉजिटिव हमारा यहां पे हो गया और Cl नेगेटिव का हो गया यहां पे, KBr सॉरी HBr है, ये हो गया KBr ले लो सॉरी HBr है, तो HBr, तो H पॉजिटिव यहां पे और Br नेगेटिव यहां पे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जो दो इक्वल और अपोजिट नेचर वाले चार्ज से मिलकर बना होता है। तो देख रहे हैं ना, ये HCl HBr ये लीनियर वाला है, और H2O जो होता है, H2O भी क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं, बस उसमें क्या होगा, दो डायपोल बनेगा। H2O को अगर लिया जाए तो H2O में कितने डायपोल बनेंगे, दो डायपोल बनते हैं। ओके, H2O ये देख रहे हैं ना, एक डायपोल हमारा यहां पे, एक डायपोल थोड़ा इस तरीके से बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे प्लस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे प्लस माइनस, ऐसे कुछ करके बना लेंगे। ठीक है, तो H2O भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डायपोल भी होता है। ठीक है, HCl हो गया, HBr हो गया, सब क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं। तो याद कर लो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है हमारा एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है कि जिसपे चार्ज नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है। इसका सिंबल मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। और अगली बात इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, उनके चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो बीच का डिस्टेंस है स्टूडेंट, उसको मैं क्या करता हूँ, टू ईयर सपोज करता हूँ, जो बीच का डिस्टेंस है उसको मैं क्या सपोज करता हूं, 2L। ठीक है, आप L भी सपोज कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं, बट आगे का जो प्रूविंग मैं बताऊंगा बहुत आसान हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए अभी से कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उनके बीच का जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में, उनके चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत कम, और उस डिस्टेंस को कितना सपोज करते हैं बच्चों, 2L सपोज करते हैं, कितना सपोज करेंगे, 2L। तो यहां पर राइट कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है, एक पे प्लस रहेगा एक पे क्या रहेगा, माइनस रहता है चार्ज पे, और लेकिन इक्वल अमाउंट में रहता है। ठीक है ना, और एक बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2L। आपको इतनी बात याद रखना है कि एक पे प्लस रहता है एक पे माइनस रहता है, दोनों का अमाउंट सेम रहता है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका एग्जाम्पल मैंने बनाया HCl HBr H2O, ऐसे भी है H2O। ओके, अब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम देखिए यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, आप क्या करिए, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल में से आप क्या करिए, किसी एक चार्ज को ले लो,
इलेक्ट्रिक डायपोल आपको जो दिया गया है, चाहे इसमें माइनस वाला चाहे इसमें प्लस, बस आपको क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइंस से नहीं मतलब है। आपको किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से मतलब है बच्चों, बहुत ज्यादा समझिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ले लो, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, ट्वेल्व है। तो इन्हीं का जो मल्टीप्लाई होता है, इन्हीं का जो मल्टीप्लाई होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। याद रख लो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम जो होता है ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड ट्वेल्व। ट्वेल्व क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, चार्ज के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। क्यू क्या है, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो पी का टू क्या कर दिया मैंने, क्यू सॉरी, जो इसका सिंबल होता है बच्चों, सिंबल ध्यान दीजिए, ये पी होता है, और पी कट होता है क्यू इंटू ट्वेल्व। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम जो होता है उसका सिंबल होता है पी, सो पी कट क्या होता है, क्यू इंटू ट्वेल्व, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए, आपको मजा आ जाएगा, पी कट क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ट्वेल्व। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो मोमेंटम होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, दोनों में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का और उनके बीच के डिस्टेंस का क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। इसका सिंबल होता है स्टूडेंट पी, और पी कट होता है क्यू इंटू ट्वेल्व, पी कट क्या होता है, क्यू इंटू ट्वेल्व। अब सुनो ध्यान से, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, इससे रिलेटेड कुछ बात समझ लीजिए। यहां पे ये होती है कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम यहां पे वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगली बात ये, इसका यूनिट चेक कर लो, इसका यूनिट चार्ज है कूलम, ये क्या है, मीटर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला ध्यान दीजिए, चार्ज का होता है एटी और डिस्टेंस का क्या होता है एल। यहां पे इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल टी ए, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एल टी ए। अब एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, दिशा भी होगी। दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिशा जो होता है हमेशा याद कर लो, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो अगर यहां पे डायपोल मोमेंटम का मैं डायरेक्शन बनाऊंगा वेक्टर पी का, तो किधर जाएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से क्या होगा बच्चों, प्लस क्यू की ओर। हमें लगता है आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, दो पोल होता है, दोनों पोल पे चार्ज होते हैं, एक पे प्लस होता है एक पे माइनस होता है, दोनों का अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। एग्जाम्पल क्या है, HCl, HBr, H2O ऐसे करके। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, चार्ज है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, यानी कि चार्ज के बीच के डिस्टेंस का। तो इसका हमारे सिंबल क्या बना है, सिंबल पी हो गया, वेक्टर पी, वेक्टर पी इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, वेक्टर पी इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट होती है कूलम्ब मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम्ब मीटर होता है, डायमेंशनल फार्मूला मैंने बताया एल टी ए। इसकी दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से किधर होता है, प्लस क्यू की ओर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शन जो होता है वो माइनस क्यू से किधर होता है, प्लस क्यू की ओर। तो बच्चों इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बात समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो हो रहा था E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट और E इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 q/r². तो जो ये फार्मूला इसके प्रीवियस लेक्चर में, अगर नहीं आप नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से बता रहा हूं, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फार्मूला आता है E इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 q/r². लेकिन बच्चों क्या करना है, आज आपको इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो भी थ्री स्टेप में, थ्री प्रूविंग है, थ्री डेरिवेशन है। एक इन डाउन पोजीशन पे यानी कि ऐसे हो जाएगा, एक होता है ब्रॉड साइड पोजीशन पे यानी कि ऐसे परपेंडिकुलर होगा, एक होता है कि आप कहीं पर भी निकाल दो। सो लेट डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि आपका जो डायपोल होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये डायपोल जो हमारा होता है ऐसा होता है, इस पे माइनस क्यू चार्ज रहता है, इस पे क्या रहता है, प्लस क्यू चार्ज, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2L, और ये बहुत कम होता है, 2L क्या होता है, बहुत कम होता है।
तो आज से हम क्या करेंगे, अब इसकी वजह से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है डायपोल की वजह से, उसमें क्या होता है, थ्री कंडीशन लगता है। कंडीशन पहला होता है कि इन डाउन पोजिशन पे, इन डाउन पोजिशन पे मैं आपको बता दू, डायपोल मोमेंटम जो पी होता है वो माइनस क्यू से किधर होगा, प्लस क्यू की ओर। तो पहला जो होता है वो इन डाउन पोजिशन पे, इन डाउन पोजिशन का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के आप इधर निकाल सकते हैं, या तो इस तरफ या तो फिर इस तरफ, हियर आर हियर, ओके। सेकेंड होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। इसका मतलब क्या है कि डायपोल मोमेंटम अगर इधर डायरेक्शन है दिशा इसकी, तो इसके परपेंडिकुलर या तो आप ऊपर निकाल सकते हो या फिर कहां निकाल सकते हो, नीचे निकाल सकते हो। ये है ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ये दोनों, और ये दोनों क्या होता है, इन डाउन पोजिशन। तो यहां पर भी तो फील्ड पैदा हो सकता है, यहां पर भी तो फील्ड हो सकता है, यहां पर भी तो फील्ड हो सकता है, और यहां पर भी, यानी कि और सब जगह हो सकता है। तो अगला जो बन जाता है वो हो जाता है एट एनी, एट एनी पॉइंट। अगला क्या है, एट एनी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, ऐसे थ्री है, थ्री है। फर्स्ट इन डाउन पोजिशन पे, यानी कि इधर या तो फिर इधर एक्सिस पे, ये क्या होता है, इक्वाटोरियल पोजिशन पे, यानी कि ऊपर या तो फिर नीचे। और एट एनी पॉइंट का मतलब आप कहीं पर भी, ना तो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी आप घुमा देंगे, कहीं पर भी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो सबसे पहले मैं बच्चों क्या करूंगा, इन डाउन पोजिशन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, इन डाउन पोजिशन पे, यानी कि इन डाउन पोजिशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, लेट्स डिस्कस। देखो इसमें सबसे पहले इसका फिगर हम देखते हैं, डायग्राम। तो इसका डायग्राम क्या होगा, हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। मैंने कंसीडर क्या किया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और इनके मैं चार्ज की बात कर दूं तो इस पे माइनस क्यू चार्ज हो गया, और इस पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। ध्यान समझिएगा, हमने क्या किया, एक डायपोल सपोज कर लिया, इसका नाम दे सकते हैं ए बी, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो टू एल है, देख रहे हैं। अब इसका मैंने क्या कर दिया, इसको मिड पॉइंट सपोज कर लिया, और इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, एक्सिस पे ही मैं बात कर रहा हूं, एक्सिस पे क्या पॉइंट, पी है, और इस पॉइंट पी पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात, फिर से देखो ध्यान से, ए बी क्या है, डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज, यहां पे क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, टू एल है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके मिड पॉइंट ओ से, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट ओ से एक्सिस पे, कहां पे, एक्सिस पे एक पॉइंट क्या है, पी, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को गेट करना है। तो बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अगर आपको, तो इसकी चार्ज से डिस्टेंस चाहिए, तो इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो अब ये पूरा 2L था, ये मिड पॉइंट है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, L, और ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ इसकी वजह, इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे R माइनस L, यानी कि पूरे R में से क्या करना पड़ेगा, L को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, आर माइनस एल, ठीक है। अब इसकी यहां से डिस्टेंस चाहिए, इतना कितना है, आर है, ये कितना है, आर है, और ये कितना है, एल है। ध्यान समझिए, अगर आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉइंट पी की दोनों चार्ज से डिस्टेंस ले लो, पॉइंट पी की क्या कर दो, दोनों चार्ज से डिस्टेंस ले लो। तो मैं वही डिस्टेंस ले रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक कितना है, आर, ये कितना है, एल है, तो इतना ही तो मुझे चाहिए, कितना हो गया, आर माइनस एल, अभी उतना, ये पूरा कितना है, आर है, ये कितना है, एल है, तो यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एल, सो इट विल व्हाट, R प्लस एल, ठीक है। तो अब यहां पे आपके पास टू चार्ज है, आपके पास कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू है और एक क्या है, प्लस क्यू है,
बात समझ में आ रही है? तो एक बार माइनस क्यू की वजह से निकालो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार प्लस क्यू की वजह से निकालो, और देखो अगर दोनों वन डायरेक्शन में जाता है तो ऐड कर दिया करो, अगर वन डायरेक्शन में नहीं अपोजिट में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, वही हो जाता है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैंने बताया था, और इसके बाद मैंने बताया था बच्चों याद कर लो, इसे प्लस चार्ज की वजह से, प्लस चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है डायरेक्शन उसका, और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है डायरेक्शन उसका अंदर होता है। तो अभी देखो प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लो E1 है, तो E1 किधर होगा, बाहर के अंदर, तो बाहर होगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अब यहाँ पे देखो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू से क्या होता है चार्ज, माइनस जो क्यू चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, अंदर होता है, इनसाइड हो गया देखो E2। तो सबसे पहले E1 निकालो और E2, अब ये है क्या पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला लगाएंगे E=1/4πε0Q/r2। तो यहां पर लगाओ फॉर्मूला E1 ड्यू टू, सॉरी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, यहां पे हम थोड़ा सही रहेगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो इसके लिए चार्ज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E1 इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0Q/r2। तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं KQ/r2, K भी राइट कर सकते हैं KQ/, या फिर राइट कर दो बच्चों कंफ्यूजन मत लो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऐसे राइट कर दो 1/4πε0 Q/r2, क्यों कहां है ये R2। अब बताओ भैया R क्या होता है, इसकी यहां से दूरी ये कितना है R-L, डायरेक्शन कहां है बी से पी की ओर, किधर बी से पी की ओर हो गया। अब फिर क्या होगा आपको निकालना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, उसको मैंने क्या सपोज किया A2 A2 हो गया, तो A2 का क्या हो जाएगा 1/4πε0, फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q/r2, R2 R कितना ये R+L हो गया, डायरेक्शन किधर है P से B की ओर, P से B की ओर, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से क्या करना है आप लोगों को, आपको ये करना है, अब देखो दोनों इंटेंसिटी वन डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट जा रहा है, तो अब ध्यान से मैंने क्या कहा कि आपको ये चेक करना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूं, बात समझिए, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर एक पर्सन इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, एक इधर 5 का, तो मैं पूछोगे बताओ हम पे भैया नेट फोर्स कितना लगा, क्या बोलोगे कि सर 10 इधर लग रहा था 5 इधर लग गया तो 5 कैंसिल हो गया, तो 5 इधर लगा, क्या आपने किया नेट फोर्स निकालने के लिए, सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, क्या कर दिया सप्रेक कर दिया, सप्रेक क्यों किया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैं ऐसे हूं कोई इधर 10 न्यूटन लगाए कोई इधर 5 लगाए, 10 5 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, अब की बार आपने ऐड कर दिया, क्यों ऐड किया क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जो फोर्स है 1 डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ होती तो ऐड कर दिया करो, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो एक इधर और एक इधर तो सप्रेक कर दिया करो, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अब किसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कम होगा, सॉरी जो ज्यादा होगा, अब किसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे जो ज्यादा होगा, तो ज्यादा यहां पर कैसे पता करेंगे बच्चों, जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वही ज्यादा होता है, तो E=E1-A2, E1 में से मैंने क्या कह दिया E2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों क्योंकि E1 क्या है ज्यादा है, तो अब यहां पे E=E1 रखो यहां पे 1/4πε0
क्यू अपॉन आर माइनस रियल होल स्क्वायर माइनस ये राइट कर दो वन अपॉन फोर पाई फाइव जीरो इंटू क्यू अपॉन आर प्लस रियल होल स्क्वायर। पूरी बात समझ में आ रहा है ना? टेंशन में तो सब आ जाएगा। इज इक्वल टू अब क्यू अपॉन फोर पाई फाइव जीरो कॉमन कर दो तो अंदर में जो बचा राइट कर दो माइनस वन अपॉन फोर स्क्वायर आप देखो इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम हो जाएगा इसका इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तो इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये इनका एलसीएम हो गया। ठीक है बच्चों समझ में आया होगा। अब ये कटेगा तो ये बचेगा तो ऊपर राइट करो इसका स्क्वायर कर दो राइट कर दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल ओके। अब माइनस अब इसका स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा लेकिन पहले माइनस साइन होगा तो सब्ट्रैक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू आर एल। ठीक है यहां पर अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा मैं समझाऊंगा फिर से देखो समझ लो इसको ऐसे राइट करोगे ना तो ए इसको देखो एक में करके इसका होल स्क्वायर लगाओगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। समझ में आई बात मैथमेटिक्स से थोड़ा बहुत तो ये कटेगा तो ये आएगा इसको मैंने स्क्वायर यहाँ पर राइट कर दिया फिर माइनस ये कटेगा तो ये बचेगा इसका स्क्वायर कर दिया और ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब देखो स्टूडेंट ये 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 और ये खत्म हो गया। अब सुनो जो यल होता है यल ये इतना यल आर से बहुत कम होता है एल जो होता है वो आर से क्या होता है बच्चों बहुत कम होता है तो भैया इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा वो और कम हो जाएगा एल स्क्वायर क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो अब देखो क्या आता है इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई फाइव जीरो यहां पे फोर आर एल हो गया अपॉन ये तो खत्म हो गया जीरो हो गया तो आर स्क्वायर का पावर फोर सॉरी आर स्क्वायर का पावर टू कितना हो जाएगा आर का पावर फोर। तो सबसे पहले फिर से देखो एक वजह से एक बार प्लस क्यू की वजह से निकालो एक बार माइनस क्यू की वजह से निकालो तो इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से प्लस सॉरी सॉरी हाँ प्लस की वजह से इवन मैंने सपोज कर दिया और माइनस क्यू की वजह से क्या कर सपोज कर दिया ए टू तो सब्ट्रैक्ट करता हुआ इतना तक पहुंचा तो इसको नोट डाउन करिए फिर इसके बाद बताते हैं आगे। ओके तो यहां पर ये कैंसिल हो गया तो यहां पर क्या आया इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एफ आर एन जीरो इंटू इंटू यहां पे फोर एल अपॉन कितना आर क्यू इसको अच्छे से राइट कर दो वन अपॉन फोर पाई एफ आर एन जीरो टू इसको देखो मैं टू अलग कर दिया यहां पे टू एल बचा है यहां पे तो क्यू इंटू टू एल अपॉन कितना आर क्यू सो ए इक्वल टू हो गया स्टूडेंट वन अपॉन फोर पाई एफ आर एन जीरो टू इसी को इसके पहले हमने बताया था कि डायपोल मोमेंटम होता है पी कल टू क्यू इंटू टू एल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम क्या होता है पी कल टू क्यू इंटू टू एल ये हो गया टू पी अपॉन आर क्यू ये होता है बच्चों फार्मूला इन डन पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन डन पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू टू पी अपॉन आर क्यू तो इसको ऐसे में राइट कर दिया था 60 में ए इक्वल टू के टू पी अपॉन आर क्यू देखो आसान हो जाता है लर्न करने आपको पता ही है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ठीक है तो ये हमारा अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसकी दिशा की बात कर दो तो दिशा किधर होगा जो ज्यादा रहा होगा इवन ज्यादा था तो देखो कहां हो गया बाहर कहां हो गया बाहर ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बाहर की ठीक है आउटसाइड आउट ठीक है बच्चों ये था आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इन डन पोजीशन इन द नेक्स्ट लेक्चर ब्रॉडसाइड एंड पोजीशन एंड एट एनी पॉइंट किसी भी बिंदु पे आपको निकालना बताएंगे। थैंक यू।